सो गाइस फाइनली टाइम आ गया है तूफान को बाय कहने का। अब तूफान यहाँ पर मन तो नहीं लगेगा ना बाकी आप आगे इसके बिना। हाँ जी फैमिली गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? काफी दिनों बाद आज आ रहा है ब्लॉग क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी जाकर थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ तो अभी स्टार्ट करा है। और आज भाई बुलावा आया है खाटू श्याम जी से तो फिर जाना तो पड़ेगा ही, तो आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी। अभी मम्मी ने रास्ते के लिए बनाई है बढ़िया आलू गोभी और पूरी, रास्ते में अपना बढ़िया खाते पीते चलेंगे। यहाँ से है ये लगा लो 4.5 घंटे का रास्ता। तूफान को इस बार नहीं लेकर जा रहे क्योंकि हम एक दिन में ही वापस आ जाएंगे, तो भाई तूफान को छोड़कर जाएंगे। आज पहली बार हम बोर्डिंग स्कूल में, तो पेट बोर्डिंग होता है, अभी हम देख कर आए थे सुबह सुबह, वो सही लगा। वहाँ पे एक ही डॉग था अभी तो फिलहाल और दूसरा अपना तूफान होगा। क्या इसे भी यार थोड़ा होना चाहिए कि हाँ हमसे अलग रहे तो थोड़ा अलग भी रहना आना चाहिए। आपको वैसे मजा आएगा वहाँ पे बहुत ज्यादा, आपके फ्रेंड है वहाँ पे, ठीक है? ओके ओके सोने दो सो जाओ नींद, गुड बॉय। अभी बस जाने से पहले थोड़ा सा काम निपटा रहा हूँ भाई। काम बता देता हूँ क्या है, आप लोग कह रहे थे भाई मनाली में प्रैंक जरूर चाहिए, यहाँ पे हमने शूट तो कर लिए थे पर एडिट नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर आकर एडिट करके अभी डालते रहेंगे। एक प्रैंक ऑलरेडी आ चुका है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मनाली का प्रैंक है, मामा जी के साथ मिलके किया है और धमाकेदार है। जिसने अभी तक नहीं देखा देख लो, और जिसने देख लिया वो एक बार कमेंट करके बता देना कैसा लगा। और अभी सेकंड प्रैंक अपलोड कर रहा हूँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा स्किटर और प्रैंक्स वो भी कर लेना। हमारा खाना हो गया रेडी, आलू गोभी रोटी और बढ़िया सा मैंगो शेक। थैंक्स मॉम, रास्ते के लिए भी आलू गोभी अलग से बनाऊंगा आलू गोभी। चलो सही है, रास्ते में पूरी है ना पर, चलो बढ़िया। राधे राधे गोपाल जी, अभी पहले जल्दी से गोपाल जी को लगा देता हूँ भोग। अटक गया, दवाई ले रहे इससे, दवाई नहीं जा रही। ले भाई ये मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, अब ये बीमार हो गया, दवाई ले रहा है। और अब ना हमारे घर में ना एक रूल बन गया, बता दूं मम्मी रूल, कि सब सुबह 8 बजे उठे करेंगे। सब सुबह 8 बजे उठे करेंगे, ये उठा 8 बजे, 8 बजे उठ के सबसे पहले उठ के इसने मुझे उठाया, ये बोला भाई 5 मिनट में उठ गया था। हाँ तो 5 मिनट में उठ गया था, मैं सोचा मम्मा पापा उठे होंगे, देखो दोनों सारे सो रहे। और मम्मी पापा नहीं बनाया था रूल भी कि भाई 8 बजे उठना है, रात बना है ये रूल। और मैं बताता हूँ, जल्दी उठ गया वरना नौ जल्दी उठ गया, ये सो गया था वापिस, अभी तो उठा है उसके बाद। फिर आके सो तो गया था ना, पर मैं तो नहीं सोया, नींद पूरी करके वहाँ पे ध्यान रखना सबका, नींद पूरी। अच्छा मेरे को गाड़ी में को चलानी है ना, तेरा ध्यान रखूंगा ना भाई, सो तो नहीं रहा। लेकिन एक बार ना हम जयपुर जा रहे हैं और ये मेरी साइड में बैठा और ये कार चला रहा, मेरा ना वैसे ध्यान पड़ गया इस पे, देखा तो ऐसी गाड़ी आंखें बंद और ऐसे से कर रहा, मैं भैया 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 क्या होगा। अरे ऐसे हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो होती है ना झपकी अपने आप एकदम से रुक जाती है। ये बात सही है, मैं फिर सो लेता हूँ 2-2.5 घंटे है ना। लेकिन इस रूल की ना, जैसे 8 बजे वाला जो रूल बना है, इसकी आपको एक डिसएडवांटेज है पता है, आपको अब खाना बनाना पड़ेगा 2 टाइम का। मतलब ब्रेकफास्ट होता ही था, अब लंच में पहले हम सीधा लंच करते थे, अभी तो मम्मी बची हुई थी भाई, एक टाइम खाना, अब मम्मी को ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा, लंच भी। तूफान को लेके जा रहे हैं इसके हाउसिंग बोर्डिंग स्कूल में, हाउसिंग बोर्डिंग, गलत बोल रहा हूँ क्या? तूफी एक तो शैतानी ना करियो, ठीक है? कभी वहाँ पे बेइज्जती करवाए हमारी, अच्छे घर का बच्चा है ना, सीधा रहना है वहाँ पे बिल्कुल भी, और किसी के बुड़का नहीं वाड़ना, ओके ठीक है? मम्मा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ना, फिर तेरे को लेके जाएंगे, ओके? जो खाने के लिए देना खा लियो, चुपचाप ला के भी नखरे करे, ठीक है? बुखार है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, आपके फ्रेंड्स भी है वहाँ पे, ओके गुड बाय। सुन देख पैर अड़ गया इसका, इधर आ एक बार भाई, बर्फ तू जा तुफी, भाई बर मम्मी कुछ समझा रही है, समझ ले, वहाँ गर्लफ्रेंड वगैरह बना के आना है अब तेरे, आ मेरे साथ, चलो 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 गुड बाय, चलो गुड बाय, चढ़ जाओ चलो चलो चलो। तूफान इसका स्कूल का फर्स्ट डे आज, स्कूल भेज रहे तेरे को, इसको मनाली क्या था देख आ रही होगी कि मनाली लेके जा रही इसको दोबारा, आराम से बैठे बड़ा खुश हो गए। और जब हम सुबह गए थे वहाँ पे हमने देखा था बिगल, एक था ना बिगल था, एक बिगल इनोसेंट है मेरा भाई, मेरे आगे मतलब जहाँ मैं चुप हो जाऊँ ना इसकी हिम्मत नहीं होती कि आगे बोल पड़े, चू हो जाते, चू नहीं निकलती मेरी, हाँ चू नहीं निकलती। और हम दोनों को रात को डांट पड़ रही थी कि तुम उठते नहीं हो जल्दी,
और एकदम से प्लान बन गया कि खाटू श्याम जी चलो, है ना। आज तभी तो जा रहे हैं फिर भाई, एकदम से बन गया हमारा रात को 11-12 बजे की बात है। तू लेट कितनी हो गया, 2 बजे तो निकलना चाहिए था, और 2:18 भी तो अभी आप इसे छोड़ के जा रहे हैं। फिर क्या भाई, दर्शन तो कल करेंगे ना, दर्शन तो कल ही करेंगे, आज तो पहुंचेंगे। लंबा रास्ता है, 5 घंटे की ड्राइविंग करनी है भाई मुझे। मैं बैठा तेरे साथ, क्यों दिक्कत ले रहा है? बस बैठा ही है ना तू, बीच बीच में दे दियो मेरे को। हाँ जरूर। पहुंच गए भाई, तूफान पहुंच गए। लो गाइस फाइनली हम यहाँ पहुंच गए हैं, तूफान पूरा एक्साइटेड है। और जब मैं यहाँ पे बीगल से मिलके गए था ना, घर गए था, ये मेरे को सूंघे जा रहा भाई नॉन स्टॉप, जहाँ जाओ ना मेरे पीछे पीछे भाग रहा। सो गाइस फाइनली टाइम आ गया है तूफान को बाय कहने का, अब तूफान यहाँ पर रहेगा। मन तो नहीं लगेगा ना बाकी आप आगे इसके बिना भाई रखेंगे अब तूफान। और इन भाई ने हमें सुबह सुबह पहचान लिया था, ये भाई सब्सक्राइबर अपने। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, क्या नाम है इसका? इसका तूफान। अच्छा हाय तूफान। जितना मर्जी आप अच्छी सुविधा दे दो, जो वो यहाँ पे दूसरों के साथ सीखेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, सब वो सब घर पे नहीं होता ना। और ये है स्विमिंग पूल इनका, तो मैम कह रहे हैं हमें वीडियो बना के भेज देंगे, इनमें नहाएंगे शाम को। ओके तुफी। सो भाई तूफान को अभी हम छोड़ आए हैं एक दिन के लिए, मतलब आज हम वहाँ पहुंचेंगे, आज हम वहाँ स्टे करेंगे, रात तक पहुंचेंगे, क्योंकि फिर सुबह दर्शन करके और कल वापस गुड़गांव, तो फिर कल ले आएंगे वापस। और वहाँ यहाँ पे भाई सब हम देख आए थे, अच्छी फैसिलिटी है और एसी वगैरह भी है, मतलब जो अंदर रूम्स वूम्स है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह में नहाएगा, तो वो कह रहे थे वीडियो भेज देंगे इसकी, तो वो भी मैं डाल दूंगा। और मेन बात है वो जो भाई थे वो अपने सब्सक्राइबर थे, वो तूफान को देखते थे, तो मैंने उनको कह भी दिया भाई ध्यान रखना, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे यार आदत पड़नी चाहिए उसे भी, है ना। और गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं हमारे घर से, मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया यार, क्योंकि वो इसकी थी ना, इसकी थी नहीं भाई, इसकी नहीं पहनता ना। स्केटर हिमांशु, स्केटर हिमांशु ही है ये, यूं सोच रहा था मैंने टी शर्ट डाली मैं बन गया, फिर मैंने इसको समझाया भाई तू नहीं बन सकता, ये बोला चल भाई गलती हो गया, किसी नहीं पहनूंगा, मैंने भाई को कर दिया माफ, चल अब चल रहे हैं। गाइस अपने गोपाल जी भी आई, ये एकदम से बुलावा आज आ गया, चले मम्मी चलो साला सर जाके आएंगे वहाँ पे, तो बहुत दूर है वहाँ पे, भूत नहीं उतरती है वहाँ पे, ऊपर लिखा तो हुआ था बालाजी। हाँ साला सर बालाजी बोलते हैं वैसे, वो बालाजी का रूप है, मेरे को वैसे पता नहीं लगी इतना, पर मेरे को लगता है वो रूप है ना मम्मा, एक साला सर मेहंदीपुर जाके एक बारी मामा मैंने देखने हैं, भूत देखने कैसे हो क्या होते हैं, भूत नहीं होते वो आत्मा ही होती है, लोग करने लग गए कुछ मिल गया भाई। और भाई कहाँ पे जा रहे हो, हैं मेरे को जानते हो? जानते नहीं कहाँ पे रहते हो? मजे आ रहे यहाँ पे सोसाइटी में, ठीक है। लो भाई अपना भाई कार यहाँ पे ले आया, पीछे क्या क्या रखना है? पीछे एक तो तेरे को रख देते हैं, अरे खाना हाँ हाँ मेरे को रख ले, ज्यादा नहीं बोल रहे तू आजकल भाई, मेरे पंच आ रहे हैं एकदम सही हुई पंच, हंसी तो आई नहीं रही इन पे, अरे फिर पीछे वो लगाना क्राउड म्यूजिक, हाँ चले भाई रेडियो रेडी, सब रेडी है भाई, बोलो श्री काटू वाले की जय, हारे का तारा बाबा श्याम हमारा, मैं लाडला काटू वाले का,
मौसम देख बारिश वाला हो गया। पापा जाते हमेशा आती है भाई बारिश, देखो भाई देखते इस बार आती है, इस बार आती है नहीं आती बारिश ना करवाओ किच किच। हाँ भाई लेकिन मजा नहीं आता बारिश में, लेकिन यूं है मौसम बढ़िया लेकिन किच किच में मजा नहीं आता भाई, वो मजा नहीं आता। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, babe. Stabbed in the back, bet I show you. भाई अभी हमें हो चुका है चले हुए आधा पौना घंटा और यहाँ से अभी 207 किलोमीटर रह गया है और इतना तगड़ा जाम, ट्रक की लाइन है भाई। क्या कह रहे हो? राजस्थान की सवारी होती है, राजस्थान की सवारी होती है, ट्रक ऊंट होता है, ये क्या बात है। 3:40 हो रही है इस टाइम पे, इतने ट्रक तो यार दिन रात चलते रहते हैं, नो एंट्री नहीं होती है इनकी, नो एंट्री होती है कि रात रात को जाना, कि रात रात को टाइमिंग होता है ना कि 5 बजे के बाद चलेंगे हाईवे पे जाएंगे, ये नहीं काम किस तरह चलेंगे, नॉन स्टॉप भी चलेंगे ना, रुकेंगे तो नहीं कहीं भी, नहीं यार रुकना है नहीं कहीं नहीं, सीधा ही भाई रुक भी सकते हैं यार, सीधा ही पहुंचते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, 3 घंटे की बात है सारी, ड्राइविंग का जरूर तोड़ दोगे फिर पापा जी अनोनी को चलानी पड़ेगी, मैं चला लूंगा ये तभी कह रहा था मैं जान पूछ के, पापा जी तो क्या पता चला भी ले, ये तो बिल्कुल नहीं चला पाएगा, चला भी ले का क्या मतलब है, चला लूंगा। अच्छा पापा जी तो चला ही लेंगे, पहले पहुंचाऊंगा पूरी बात है मेरे से पहले, और क्या, चलो फिर आगे आपको देता हूँ ठीक है। इतना सामान लेके आई ये देखना, चॉकलेट एक नंबर की। गाइस अभी इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है, 5:04 रास्ता दिखा रहे हैं, पता नहीं इतना तो घर से जब चले थे तब भी नहीं था, अभी पेट्रोल पंप पे रुके, पेट्रोल भी भरवा लेंगे, इनसे पूछ भी लेंगे, पेट्रोल की है ना अपनी या डीजल की, पेट्रोल अब तक इसको ये नहीं पता। अरे भाई जान पूछ के करता हूँ मैं, तू शेड में रखता ना यार, है ना लो मेरे को तो एक मिनट दे, कहां पे लूं, इसी साइड में ले ले, अंकल जी हम खाटू श्याम जी जा रहे थे, रास्ता बड़ा दिखा रहे हैं, क्या चक्कर है, खाटू श्याम जा रहे थे हम जब गुड़गांव से चले 4 घंटे दिखा रहा था, 1 घंटे से बाद तुमने चल लेने हो गया, अब दिखा रहे 5 घंटे, क्या चक्कर है, कहाँ लगे फुल कर दे, फ्री में फुल कर दो अंकल जी, किसको पता चले, पता क्या आपके और मेरे बीच में बात रहेगी, हंस रहे हो इतना महंगा हो गया, ये राजस्थान में आ गए अंकल, हम राजस्थान में है अभी, हम हरियाणा में, अभी हरियाणा में ही है, राजस्थान महंगा इससे, राजस्थान आगे नहीं, पेट्रोल महंगा है वहाँ पे, महंगा कितना, 119 इतना फर्क, 119 राजस्थान में, सही रहा फिर तो अपन इससे यहीं पे डलवा लिया, भाई तू ऐसा करे इस मोबाइल को फेंक के मार, हाँ मार फेंक के, इतनी अपनी मेहनत से ले रखा है मार फेंक के, हैं तेरे खुद नहीं लिया था क्या, और नहीं तो क्या, खुद नहीं लिया सब चीज, भाई खुद की है मेरी, और ये गाड़ी किसकी है, पापा जी की, फिर ये गिनवा दी ना, बाइक किसकी है ये मेरे से बेचारा यूज होता है, इसको दबा दूंगा ये कुछ नहीं, मैं बड़ी चीज लेगा, बहुत बड़ी चीज, क्या लेगा बड़ी, क्या बहू ले आएगा और क्या ले आएगा, हाइट पे, और अभी देखियो अभी क्या लेंगे, अभी नहीं बताते भाई, बहुत बड़ी चीज, वो तो मेरे को भी पता है, पता है मिलके लेंगे वो, तू कल लगे लेगा क्या लेंगे बता, मैं बताऊं, बता, काजू का पैकेट, काजू बादाम का बड़ा पैकेट लेंगे भाई, बड़ी चीज भाई, तो मतलब पापा कह रहे कच्चा बादाम का पैकेट ले लो, गाइस घोड़े देख लो, आर्मी के हैं घोड़े, है ना आर्मी वालों के, देखो आर्मी का ट्रक है ना, इनका क्या करते हैं, हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है भाई, घोड़ों की रेस वेस होती है, फौजी बैठे होंगे, जय हिंद जय भारत। राजस्थान के पहाड़ शुरू हो गए हैं, ये राजस्थान में कैसे पहाड़ है भाई, ये पहाड़ नहीं है, पहाड़ है ये, पहाड़ है और क्या है, देख ज़ूम करके देख, पहाड़ है भाई, I'm not afraid to die.
फाइनली हम पहुंच गए हैं भाई खाटू श्याम जी। 7 बजे और कितने बजे चले थे आप? चले थे 2:30 बजे के आसपास। हाँ 2:30 बजे, 3:18 पे तो तूफान को छोड़ने ना, 2:18 पे भाई, 3 बजे के आसपास भाई, 3 बजे तेरे को याद रहता नहीं दादी, मतलब मैंने 4 तो लगी यहाँ पको। मान चुको खाटू श्याम जी महाराज, सद्बुद्धि देना, इसके काम में बरकत देना, छोरे के वीडियो बढ़िया बढ़िया चलवाना, पापा जी के दोनों शेर तरक्की करते रहे। राजी हो गए पूरे, पूरे खुश। मैंने इसे झूठ बोल रखा कि इसके फैन अंदर। सो भाई फाइनली हम पहुंच गए हमारे होटल पे। चले मिल गए फैन, ये बैठे भैया फैन। भैया इसको जानते हो ना आप? इसको जानते हो ना? बेइज्जती, गजब बेइज्जती है भाई। वो जानते थे, तूने खुद ही बोल दिया ऐसे वीडियो को प्यार बनाए रखो, पता है इतना हर्ट हुआ होगा उन्हें। चल चल चल, वेलकम टू द रूम गाइस। सही है भाई, बाहर से तो इतना वो लग रहा था, ये ऐसे ही है बाहर से। अरे हर चमकती हुई चीज सोना होती है। ओ सॉरी गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तू है बोलू, तू है बोलू, तू लो भाई। भैया जी खाना ले आए, एक नंबर। क्या क्या ले आए भैया? खा लो भैया रोटी, घर से लाए खाओगे? ये वाला कुत्ता ना, एक नंबर का है, इसको पूछ के दिखाऊं। पापा तो भाई मुझे आ रहा था, पूछ लो। सो देखो ना, ये तो इधर कर ले, इधर कर ले, इसको बीच में टेबल कर ले, इधर बैठ जा, नहीं तेरे सोने बैठ जा। अपना पति क्या है? जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम भाई। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ गए भाई, बैठ गए। कल सुबह सुबह दर्शन करेंगे, कितने बजे भाई? 10 बजे के आसपास, आराम से 10 बजे के आसपास। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे चल रहा है मैच, अभी ऐड आ गई और आ गया, आ गया, आ गया। और यहाँ पे भाई आराम चल रहा है, मम्मी पापा उस वाले बेड पे और हम दोनों इस वाले बेड पे। सो भाई थकान हो गई है पूरी, आज मैंने 5.5-6 घंटे पूरी ड्राइविंग करी नॉन स्टॉप, कहीं भी नहीं रुके। तो ये खाटू श्याम जी की शक्ति लगा लो, ठीक है भाई। और सुबह जाएंगे हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने। नेक्स्ट व्लॉग जरूर से जरूर देख लेना भाई, आप लोग व्लॉग भी एडिट करना है, ये देखो तुम स्ट्रगल देखो लाइफ का, क्योंकि अब अगर मैंने कल ही डाला नहीं ना तो फिर इतनी ज्यादा लेट हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोलोगे राहुल भाई व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग नहीं आ रहे, तो फिर भाई अब करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो लाइक जरूर कर देना, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं गाइस। कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा, लाइक भी जरूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, वैसे सस्त रहे। जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम, बाय बाय, गुड नाइट।